गुजरात में 9 और 14 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को एक बड़ा झटका देते हुए कोऑर्डिनेट सीट से बीजेपी विधायक व दलित नेता जेठा सोलंकी ने शनिवार 18 नवंबर को पार्टी छोड़ दी और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। सोलंकी ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासन में दलित ने अत्याचारों का सामना किया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा नियुक्त संसदीय सचिवों में से एक सोलंकी ने पद से इस्तीफा दे दिया। संसदीय सचिवों को उप मुख्यमंत्री के बराबर समझा जाता है और माना जाता है कि वे मुख्यमंत्री की मदद करते हैं। दलित नेता ने कहा है कि पार्टी ने जब उन्हें बताया कि इस बार मुझे टिकट नहीं दिया जाएगा तो मुझे निराशा हुई थी। उन्होंने कहा कि मैंने एक विधायक और संसदीय सचिव के तौर पर बीजेपी में इस्तीफा दे दिया है। मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है क्योंकि पार्टी ने मेरी बातों को सुनना बंद कर दिया है। सोलंकी ने बताया कि पार्टी ने उन्हें सूचित किया था कि इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जी हाँ, पार्टी ने मुझे बताया था कि इस बार मुझे टिकट नहीं दिया जाएगा। पार्टी ने मुझे इस्तीफा नहीं देने के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने अपना इस्तीफा वापस नहीं लेने का फैसला किया है। बता दें कि बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होते ही पार्टी में कई नेताओं ने नाराज होकर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जीतू बघानी को तत्काल प्रभाव से अपने इस्तीफे तक सौंप दिए थे। SP9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।